दीपावली पर्व पर पटाखा बाजार क्रमांक 2 मैदान में सचकर तैयार होगा। इसको लेकर शनिवार को लाइसेंसधारी पटाखा व्यापारियों को लॉटरी सिस्टम से शनिवार को दुकानें आवंटित की गई 98 दुकानें आवंटित की गई है। दीपावली पर्व पर क्रमांक 2 स्कूल मैदान में पटाखा बाजार सजेगा। शनिवार को नगरपालिका द्वारा लॉटरी सिस्टम से लाइसेंसधारी पटाखा व्यवसायियों को दुकानें आवंटित की गई। पटाखा बाजार में कुल 98 दुकानों के लिए लॉटरी निकाली गई। दुकानों के आवंटन के बाद अब पटाखा बाजार सजेगा। व्यवसायियों के अनुसार धनतेरस से पहले दुकानें सज जाएगी। 2 नवम्बर से प्रारंभ हो रहे 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व के 3 दिन पहले पटाखा बाजार में दुकानों का आवंटन किया गया है। शनिवार को नगरपालिका के अधिकारियों की उपस्थिति में लॉटरी से पटाखा बाजार की दुकानों का आवंटन किया गया। जिन व्यवसायियों को बाजार में मौके की माने जाने वाली दुकानें खुली उनके चेहरे भी खिलते रहे, वहीं कोने की दुकानें आवंटन होने से व्यवसायी थोड़े हताश भी दिखे। राजस्व अधिकारी दिनेश चांदना ने बताया कि पटाखा एसोसिएशन द्वारा 98 आवेदन भरे गए थे। पटाखा व्यवसाय के लिए लाइसेंसधारियों को 98 ही दुकानों का आज आवंटन कर दिया गया है। पटाखा बाजार में दुकान आवंटन के लिए 913 रुपए एक दुकान की राशि ली गई। 98 दुकानों के कुल 83,996 रुपए प्राप्त हुए। शासन के जो भी गाइडलाइन है उनका पूरा पालन करते हुए जो नगरपालिका ने नक्शा बनाया है उस हिसाब से यहाँ पर दुकान बनाई गई है। 98 दुकानों का यहाँ पर आवंटन किया जा रहा है और जो भी शासन के दिशा निर्देश है उनका पालन है। 3 शेड की दुकानें यहाँ बनी है और बाकी रेत पानी का टैंकर नगर पालिका की तरफ से रहेगा, रेत एसोसिएशन मंगवाती है और प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान पर फायर फाइटर रखता है। सभी की जवाबदारी है, स्वयं की जवाबदारी है अपने अपनी दुकान पर फायर फाइटर रखना, 2 पानी की बाल्टी, 1 ड्रम और बालू रेत। आज कितनी दुकानों का आवंटन हो रहा है? 98 दुकानों का आवेदन। किस प्रकार से यहाँ पर जो है कब से ये एसोसिएशन पटाखा दुकान प्रारंभ करने जा रही है? कल प्रातः से प्रारंभ हो जाएगा मार्केट।